हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बताएंगे, आप किसी के साथ बात करते हैं तो दोस्तों कोई थर्ड पर्सन उस कॉल को तो सुन नहीं रहा दोस्तों, या उसके पास आपकी कॉल की इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही है, आपके मैसेज की इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही दोस्तों वो कैसे चेक करते हैं, किस तरह हटाते हैं और किस तरह उसने लगाया था दोस्तों, इसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताएंगे दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो करें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें डायलर को ओपन करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है दोस्तों वो किस तरह चेक करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ डायल करना है *#21# और इसे उस सिम से कॉल करना है जिससे हमें चेक करना है दोस्तों। हमने फर्स्ट सिम से इसे चेक करना है और हमारे सामने इस तरह का ये इंटरफेस नज़र आता है। और ये दोस्तों हमारी कॉल हमारे नंबर पर ना जाकर इस नंबर पर जा रही है दोस्तों। ये नंबर पर पूरी SMS वगैरह सब कुछ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसे कैसे हटाते हैं वो आपके लिए बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसको हटाने के लिए हमें ##00#2# इस नंबर को डायल करना होगा दोस्तों, और उस सिम से करना होगा जिससे हमें हटाना दोस्तों। जैसे मेरी फर्स्ट सिम है इससे हटाना है तो मैंने इससे डायल किया है। ये दोस्तों हमारी जो कॉल अदर्स नंबर पर जा रही थी दोस्तों उसे हटा दिया गया दोस्तों। इस तरह कॉल को चेक करना बताया और हटाना बताया दोस्तों। अगर इस तरह कॉल को हम लगाना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल ना आ जाती, थर्ड पर्सन के नंबर पर कॉल जाए दोस्तों, तो दोस्तों वो किस तरह लगाते हैं वो आपके लिए बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए हमें सबसे पहले **#21# और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को टैप करना है जिसके लिए हमें कॉल करनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं वो नंबर डालता हूँ और उसके बाद हैज दोस्तों, और उसके बाद हमें ये कॉल करना होगा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा कॉल थर्ड पर्सन के लिए फॉरवर्ड हो गया दोस्तों। ये कॉल हमारे नंबर पर ना आकर किसी अदर नंबर पर जो हमने अभी डायल किया था उस पर जाए दोस्तों। इस तरह आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।